फाइनली दोस्तों बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड के 8th क्लास के रिजल्ट्स के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता भी होगा कि रिसेंटली आपके झारखंड बोर्ड के 11th क्लास का और 9th क्लास का जो रिजल्ट्स है वो जारी हुआ है, और अप्रैल के महीने में आपके 10th क्लास के और 12th क्लास के जो रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी हो चुके थे। अब ऐसे में अब आपके 8th क्लास का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर बचा हुआ है, तो कब तक आपको यहाँ पर रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा, क्या कल शाम को 4 बजे तक आपका रिजल्ट जो है जारी हो सकता है या नहीं, तो क्या पूरी पूरी अपडेट देखने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट से वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको झारखंड बोर्ड के 8th क्लास का जो रिजल्ट है वो इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिल सके। झारखंड बोर्ड के रिजल्ट से रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा अपडेट्स चाहिए तो करना कुछ भी नहीं, सिंपल सा आपको एक तरीका बताता हूँ। गूगल पे आपको आना होगा और यहाँ से आपको जो है rkla.in सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे आप rkla.in वेबसाइट सर्च करोगे तो आपके सामने ये जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी, और इसी वेबसाइट की मदद से आपको जो झारखंड बोर्ड के 8th क्लास का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप देख भी सकते हैं JSE 8th रिजल्ट, ठीक है। अपने को इस लिंक पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब कई एक स्टूडेंट को यहाँ पे जो है इस प्रकार का जो अपडेट है सर्च वगैरह करना ये नहीं आता, तो उनके लिए एक दूसरा तरीका ये भी है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दिया हुआ है, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये जो पेज है ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आपको रिजल्ट को लेकर के जो अपडेट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख भी पाएंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 16 मार्च 2024 को कंडक्ट हुआ था, और आपके झारखंड बोर्ड का जो रिजल्ट है वो झारखंड बोर्ड के द्वारा जल्द ही यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है वो यही बताई जा रही है कि अगले नेक्स्ट वीक में आपके एंड तक आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि 22 या 23 मई के समथिंग आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि रिसेंटली आपकी जो 9th क्लास का और 11th क्लास का जो रिजल्ट है वो जारी हुआ है। तो ऐसे में कम से कम आपको एक वीक का समय लगेगा रिजल्ट जारी होने में। जैसे आपका एक वीक कंप्लीट हो जाएगा आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के 22 या 23 इन दो डेट के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है, ठीक है। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले दिनों के अंदर रिजल्ट को लेकर अगर कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिल सकेगी। यहाँ से आप जो है झारखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, यहाँ से आप देख भी पाएंगे कि आपके 11th क्लास का और 9th क्लास का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आपको 17 मई को देखने को मिल चुका है, ठीक है। और 4 से 5 दिन के अंतराल के बाद में आपको 8th क्लास का जो रिजल्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें पूछ भी सकते हैं। अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो के पैर ऐसा लाइक कर लीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।